नमस्कार, वंदना जोशी कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी नमकीन पोहा कैसे बनाया जाता है। चिवड़ा, जिसको चिवड़ा भी बोलते हैं या मिक्सचर भी बोलते हैं, पोहे का मिक्सचर, ये पोहा है तलने वाला। ये पोहा है, ये मोटा पोहा है, इसको हम तलेंगे तो ये और फूल जाएगा। और ये परवल है, इसको मुरमुरा भी बोलते हैं। और ये हल्दी है, ये मीठी नीम हमने अच्छी धो के रखी है। और ये चने की दाल को हमने तल के रख लिया है फ्राई करके। और ये मखाने भी फ्राई कर लिए हैं और मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लिए हैं। और ये है काली मिर्ची, काला नमक, जीरा, और ये शक्कर पाउडर है पिसी शक्कर, और ये लाल मिर्च है, ये रिफाइंड तेल है, और ये टाटरी है जो अभी पिछले उसमें मैंने बताया था। टाटरी ऐसी होती है, बाजार में भी मिलती है ये। और ये नमक है। अब हम कमाल कर दी। अब ये हमारा तेल गरम हो गया है, अच्छा तेज तेल में हम पोहा तलते हैं। तो पर पोहा तलने के पहले जो मटेरियल है वो पहले तलना चाहिए, पोहा सबसे बाद में तला जाता है। तो हम इसको, ये मुरमुरे को तलेंगे। पोहा का मटेरियल तैयार करने के लिए सबसे पहले दाल, चने की दाल तली जाती है। इसके बाद फिर नमकीन, ये इसके बाद ये मूंगफली के दाने तले जाते हैं, मखाने, मुरमुरे, और सबसे बाद में ये पोहा तला जाता है। क्योंकि पोहा अगर पहले तल देंगे तो हमारा तेल पूरा खराब हो जाता है, काला काला हो जाता है, इसलिए पहले ये सब चीज़ें तल लेना चाहिए। अभी हमारा मुरमुरे तैयार हो गए हैं, यहाँ तल दिए। हमने पोहा तलने के पहले मूंगफली के दाने और ये सब तल के रख लिए हैं। अब ये पोहा तल रहे हैं, ये ऊपर आ जाएगा। इसमें तेज आंच रखी जाती है वरना पोहे में तेल भरा जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। हम इसमें मीठी नीम तल रहे हैं, इसको हम मीठी नीम को पहले डाल देते हैं। डाल दिए। अब इसमें हम ये मूंगफली के दाने डाल रहे हैं तले हुए, फ्राई करी हुई चने की दाल, और फ्राई करा हुआ ये मखाना हम इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें हम सब मसाला मिक्स करेंगे। सबसे पहले हल्दी डाल रहे हैं, और लाल मिर्च डाल रहे हैं, काला नमक, थोड़ा सा हल्का सा काला नमक, और ये शक्कर है पिसी हुई शक्कर डाल रहे हैं। ये नमक डाल रहे हैं हल्का हल्का, और ये टाटरी जो है नाम मात्र कोई डाली जाती है, एक चुटकी भर बस। अगर ज़्यादा डालते हैं तो फिर ज़्यादा खट्टी हो जाती है। और थोड़ी सी ये काली मिर्च डाल दी है हमने। अब इसको हम मिला लेते हैं। मसाला
मसाला डालने के बाद फिर आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर इसमें कुछ कमी हो, या तो नमक कम हो, या वो शक्कर कम हो, या मिर्ची आप ज़्यादा खाते हो तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हमारा अगर आपको नमकीन चूड़े का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें। ये सब दिवाली स्पेशल है।